हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आपका। दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, कुछ दिखाने आया हूँ और थोड़ा माफ़ी भी मांगता हूँ। काफ़ी समय से मैंने वीडियो नहीं बनाया, आप लोगों को कुछ नहीं सिखाया। दोस्तों वो कारण ये था, मैं अपने ऑफिस में बिजी था। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे वॉल पर फोटोज लगे हैं, मैंने अपने न्यू ऑफिस बनाया है तो इसमें 4 महीने से मैं काफ़ी बिजी चल रहा था, इस चक्कर में मैंने अपने वीडियो नहीं बना पाया है। दोस्तों आज मैं आपको दिखाता हूँ पहले अपना ऑफिस, मैंने क्या क्या कैसे तरीके से अपना डिजाइन किया ऑफिस का, और इसका फ्रंट दिखाता हूँ सबसे पहले आपको मैं, फ्रंट क्या है मेरे ऑफिस का। आइए तो दोस्तों आपने फ्रंट देखा, मैंने फ्रंट पे नाम रख दिया है रिया गिफ्ट कॉर्नर। वो इसलिए दोस्तों मैंने अपने ऑफिस में ज़्यादातर गिफ्ट आइटम लगाए हैं, वो इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी कोई गिफ्ट आइटम की दुकान नहीं थी तो मैंने अपना सोचा अपना न्यू ऑफिस ऐसा बनाया जाए कि उसमें गिफ्ट आइटम हो, एंटिक गिफ्ट आइटम हो, काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट आइटम मैंने लगा रखे हैं। और यहीं से मैं अपना फोटो एडिटिंग एल्बम डिज़ाइनिंग का काम करता रहूँगा, वो आप लोगों को जैसे मैं पहले वीडियो सिखाता था किस तरीके से क्या डिजाइनिंग क्या कैसे करनी चाहिए, फेक डालनी चाहिए, वो मैं सारी चीज़ें बताता रहूँगा यहीं से। इस काफ़ी समय से वीडियो मैंने नहीं बनाया है मैं जानता हूँ, तो इसके लिए दोस्तों माफ़ी मांगता हूँ। इस अब वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी जैसे कि पहले आती थी, उस तरीके से आप लोगों को सिखाता रहूँगा, जो आपकी क्वेरी हैं सारी क्लियर करता रहूँगा। तो आइए मैं आपको पहले ऑफिस दिखा देता हूँ कैसे कैसे मैंने डिज़ाइन किया है। और ये मैंने अपनी वॉल रखी है, इसमें मैं अपने सारे फ़ोटो प्री वेडिंग वाले और वेडिंग वाले सारे ये डिज़ाइन करता रहता हूँ, लगाता रहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने यहाँ पर फ़ोटो लगा रखे हैं। और ये मैंने स्टैंड ही बनाया है LED फ़ोटो के लिए। और दोस्तों ये मैंने फ्रंट वॉल रखी है, इसमें मैंने बॉक्स बनाए हैं डिजाइनदार, इसमें गिफ्ट आइटम लगाऊंगा अभी काफ़ी समय से मैं, तो इसमें गिफ्ट आइटम लगाने हैं मुझे, अभी काफ़ी रह गए हैं वो लगा नहीं पाया हूँ। और इस वाली वॉल पे दोस्तों ये मैंने मग स्टैंड बनाया है, राउंड होता है इस तरीके से, आप राउंड कर सकते हैं इस मग को। तो इस तरीके से दोस्तों इस स्टैंड को राउंड करके आप मग स्टैंड दिखा सकते हैं किस तरीके से क्या है। और यहाँ पर मैंने गिफ्ट आइटम लगाए हैं, ये LED वाले हैं काफ़ी गिफ्ट आइटम, देख सकते हैं जैसा कि लैम्प हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, इन सब और फोटो लग जाएंगे, मग हैं, ब्लू हैं, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं। दोस्तों और आपको दिखाता हूँ मैं, ये मैंने अपनी टेबल बनाई है, इस पर जो जिस पर मैं अपना एडिटिंग का वर्क करता हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरी टेबल है। और सेकंड कंप्यूटर दोस्तों मैंने यहाँ लगा रखा है, अदर काम होते हैं एडिटिंग का काम होता है, मग टी शर्ट पेंटिंग का, उस पर डिज़ाइन हो जाती है। तो दोस्तों 4 महीने से काफ़ी मैं अपने ऑफिस में बिज़ी था, 4 महीने से काम चल रहा था इस ऑफिस में, इसके लिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं बना पाया, काफ़ी समय हो गया। तो अब मैं फ्री हो गया हूँ अपने इस काम से, ऑफिस रेडी हो चुका है, मैं बैठ रहा हूँ 8-10 दिन हो गए, तो अब इस ऑफिस में ही बैठकर मैं अपनी वीडियो बनाया करूँगा आप लोगों को, पहले ही तरह जो सारी चीज़ें बताता वही सिखाया करूँगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप बताना मुझे कमेंट में किस तरीके कैसा लगा आपको ऑफिस मेरा।
की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। और जो भी मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, मैं उसमें कुछ स्पेशल लेके आऊँगा, कुछ अच्छी नई चीज़ आप लोगों को सिखाऊँगा उसमें। और दोस्तों मैं आप लोगों को किस तरीके से मैं प्रिंटिंग करता हूँ सारे की स्क्रिप्ट आइटम पर, वो भी मैं आप लोगों को वो भी चीज़ें सिखाता रहूँगा किस तरीके से हम प्रिंटिंग करते हैं, जो भी ये आइटम लगे हुए हैं इन पर हम किस तरीके से प्रिंटिंग करते हैं, इन चीज़ों पर मैं आपको वो भी सिखा दूँगा किस तरीके से हम डिज़ाइनिंग करते हैं, क्या साइज रहता है और किस तरीके से मशीन से हम इन पर प्रिंट करते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अब दोस्तों वीडियो काफ़ी समय, अब वीडियो लेट नहीं होंगी, अब कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी आप लोगों के लिए, जिस तरीके से मैं डिज़ाइनिंग सिखाता था पहले, एडिटिंग किस तरीके से करता था, इफेक्ट डालता था, आप लोगों को सिखाता था, तो अब वीडियो लेट नहीं होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नहीं स्पेशल आप लोगों के लिए सिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।